देखिए गौरव घटिया दल बदल कर जिस दल में आज आए हैं भाजपा में, उसकी नींव ही एक ऐसे व्यक्ति ने रखी जो देश के रक्षा घोटाले में सो। या तो इस शो में ये प्रवक्ता माफी मांगे और वरना पूरी डिबेट में अब आप बीच में ना आइएगा, मैं इनसे निपटूंगा। ठीक है, झूठ बोले कौवा काटे, प्रियंका को बार बार काटे, काटता रहे क्योंकि सबसे बड़ी झूठी है। झूठी कौवा काटेगा, कौवा काटेगा, अरविंद केजरीवाल को भी काट रहा, आपको भी काटेगा। चलिए चुप हो जाइए, सुनू मैं दांत नहीं, अल्ले 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 क्या कर रही हूँ, केजरीवाल केजरीवाल के पसीने निकल रहे, अल्ले अल्ले मुंह के दांत से दिखाओ, नीचे वाले नहीं दिख रहे, टेंशन ले रहा है क्या, गालियां देने आती हो, अरे गिलास से निकालो, टेंशन पड़ा है वो देखिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के बीच। दरअसल डिबेट चल रही थी जो दिल्ली सीएम केजरीवाल पे ईडी बार भी नोटिस पे नोटिस दिए जा रही है और वो जा नहीं रहे हैं सम्मंस पे, इसी पर डिबेट चल रही थी और डिबेट में प्रियंका कक्कड़ गौरव भाटिया को गौरव घटिया बोलने लगी। इसी पर डिबेट में अच्छी खासी बहस हो गई और डिबेट का समय अलग ही चला गया। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो पहले वीडियो में चलते हैं। चलो भाई कि प्रियंका कक्कड़ दूध का दूध और शराब की शराब हो जाएगा, ये तो बीजेपी ने कहा, लेकिन नोटिस गैर कानूनी है, सही समन्स मिले तो मैं जवाब दूंगा। मतलब ये आम आदमी पार्टी तो नहीं तय करेगी कि नोटिस गैर कानूनी है, कोर्ट तय करना चाहिए। अमीश देवगन जी सभी को नमस्ते, आपने उनको बहुत वक्त दिया, मुझे भी सिलसिलेवार तरीके से अपने जवाब देने दीजिएगा। देखिए गौरव घटिया दल बदल कर जिस दल में आज आए हैं भाजपा में, उसकी नींव ही एक ऐसे व्यक्ति ने रखी जो देश के रक्षा घोटाले में करप्शन करते हुए पकड़ा गया। शांत कराइए इनको, शांत कराइए, शांत कराइए, शांत कराइए, और ये हमारा नाम बिगाड़े, पापी है पापी है, वो चलेगा वो आपको नहीं सुनता, शांत कराइए इनको, शांत कराइए, बिठाइए, चुप बैठिए, बैठिए, एक सेकंड, एक सेकंड, बैठिए गौरव घटिया, चुप, एक सेकंड, नहीं उनका नाम गौरव भाटिया है, आप भी नाम गौरव भाटिया, वो भी नाम बिगाड़े, देखिए उन्होंने आपका नाम नहीं बिगाड़ा, या तो इस शो में ये प्रवक्ता माफी मांगे और वरना पूरी डिबेट में अब आप बीच में ना आइएगा, मैं इनसे निपट लूंगा। ठीक है, नहीं पर मेरा प्रोग्राम है, मुझे तो बीच में आना पड़ेगा, दोनों मुझे बाहर करना चाहते हो, ये अन्याय है आप दोनों। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हमारे लिए कानून सबसे ऊपर है, हम इतना चाहते हैं कि ईडी भी कानून का पालन करे। अब हम क्या चाहते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब नहीं दिए, वो सीबीआई के आगे पेश हुए थे, उनको बकायदा समन आए थे, उन्होंने सीबीआई के आगे सारे जवाब रखे। इस बार जो नोटिस आए जा रहे हैं जो ये करेक्ट नहीं कर पा रहे, सुनिए अभी जो अभी तीसरे के बाद हाँ चौथा आ गया, मैं इनको यहाँ गौरव भाटिया जी कोर्ट में तथ्यों पर अगर प्रैक्टिस करते होंगे तो इनको बोलिए कि एक जजमेंट है मेवा राम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि जिस तरह का नोटिस इन्होंने भेजा है वो गलत और वो कोश हो गया था, और अब क्या प्रॉब्लम है इनको, ये रोक नहीं पाते तो हमारी कोर्ट जाइए फिर आप, ऐसे हमें कोर्ट नहीं जाना होता। मैं पर आपको लग रहा है कि अगर ईडी, अगर ईडी के जो समन है वो गैर कानूनी है तो कोर्ट जाने, कौन कोर्ट कोर्ट तय करेगा, मैं और आप कोर्ट तय करेंगे, कोर्ट हम क्यों जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे हम, अगर आप कह रहे गैर कानूनी है जिस व्यक्ति को नोटिस, एक प्रियंका जी इसमें मुस्कुराने की बात नहीं, जिस व्यक्ति को, मैं गलत नहीं कह रहा, नहीं मैं आपको एक सेकंड, एक सेकंड सवाल को सुनिए, आपको हो सकता गलत लग रहा हो, जिस व्यक्ति के पास नोटिस आ रहा है, जो व्यक्ति को नोटिस मिल रहा है कि आप ईडी के सामने पेश होइए, वो पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये नोटिस गैर कानूनी है। अब कानून की बाध्यता तो नहीं है कि अगर वो मुख्यमंत्री है तो माना जाए कि वो गैर कानूनी है, ये तो कोर्ट तय करेगा ना कि अगर गैर कानूनी है, गैर कानूनी होगा तो कोर्ट ईडी को फटकार लगाएगा, अगर कानूनी होगा तो कोर्ट आपको बोलेगा पेश करने के लिए। पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, देखिए लीगली से आप, लीगली ये है कि आप यू आर बाइंग टाइम, आप समय को बढ़ा रहे आगे जितना बढ़ जाए, दैट्स द पॉइंट, ईडी कोर्ट चली जाए, किसने रोका हम, देखिए ऐसा ही होता है कि जब आप कोर्ट में जाके वकालत नहीं करते हैं तो ऐसे ही तर्क दिए जाते हैं। क्या आपको उत्तर मिला, मैंने कहा कि न्यायालय जाके निरस्त करा ले, इन्होंने कहा कि मेवा राम का एक जजमेंट है उसकी वजह से खुद ही निरस्त हो गया, ऐसी प्रक्रिया भारत में तो है नहीं अमीश जी। लेकिन बड़ी बात आपको एक और विधिक बताता हूं, सारे दर्शक सुने, सीबीआई में मैं पूछताछ के लिए गया, अरे तो एहसान किया क्या अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर, सीबीआई और ईडी दोनों के जो ऑफेंस हैं ये अलग होते हैं, ये आप किसी भी विधि का जो ज्ञाता हो उससे पूछिएगा। सीबीआई के पास आप गए अच्छी बात है, लेकिन ईडी के पास भी आपको जाना पड़ेगा, और एक मैं आपको चेतावनी भी दे देता हूं,
मुझे पता है अरविंद केजरीवाल कांपते कांपते इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपको मालूम है ये जो समन पे ना जाना बार बार ये कारण बन सकता है गिरफ्तारी का, और न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं करता है क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन के साथ जो है सहयोग नहीं कर रहे। तीसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कहती है भाजपा के दफ्तर से आए, अरे कभी सीबीआई ईडी पिंजरे का तोता होती थी? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था आपने या मैंने नहीं, आप स्वतंत्र हैं। अगर आपको लगता है कि राजनीतिक द्वेष से ये है, फिर से भजन लाल का केस है सुप्रीम कोर्ट का अमीर जी, इस आधार पे पूरा का पूरा केस निरस्त हो जाएगा। सच्चाई ये है 11 महीने हो गए मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हुई, 3 महीने हो गए संजय सिंह की बेल नहीं हुई, सच्चाई ये है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजेक्ट करते हुए बेल ये कहा 350 करोड़ रुपए की कमीशन खोरी की है। आपने जी गौरव यू मेड योर पॉइंट, गौरव यू मेड योर पॉइंट, इट्स बीन कौन है, इट्स बीन 1 मिनट, इट्स बीन मोर देन 1 मिनट, मोर देन 1 मिनट, गौरव यू मेड योर पॉइंट। प्रियंका 30 सेकंड शार्प रिप्लाई। ऑफ कोर्स उनको गलत काम से बुलाया, 30 सेकंड बिल्कुल चुप कराइए, आप बोलिए 30 सेकंड। देखिए अगर हम भ्रष्टाचारी होते तो बड़ा आसान था भ्रष्टाचार करके बचना, हम भाजपा में शामिल हो जाते, हम लोग तो आए ही, हम लोग अपने अच्छे खासे व्यापार प्रोफेशन जिसमें पैसा कमा रहे थे वो छोड़ के आए हैं, ऐसे गुंडे मवाली थोड़ी थे जो संरक्षण के लिए राजनीति में आ गए प्रोटेक्शन के लिए, पहली चीज। दूसरा मुझे बहुत दुख है और खेद है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो 338 करोड़ प्रोसीड्स जो प्रॉफिट है 10 कंपनी का ओवर 8 मंथ्स वो शायद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो, तो उस और ये भी कहा कि ये केस 2 मिनट ट्रायल कोर्ट में नहीं टिकेगा, ये आपको बैठ के झूठ बता रहे हैं कि प्रूव हो गया। इनको बताइए, इनको भी पता है पीएमएलए ने भाजपा, चुप शांत कराइए इनको शांत, 2019 में भाजपा ने संशोधन किया लॉ में, जिस संशोधन के तहत आप किसी को कितना भी लंबा टाइम जेल के अंदर रख सकते हैं बिना सबूत के। गौरव वो कह रहे हैं कि हमने कुछ करप्शन नहीं करा है, गलत बोल रही है, ठीक है 30 सेकंड गौरव भाटिया रिप्लाई, 30 सेकंड गौरव भाटिया 30 सेकंड। छगन भुजबल अजीत दादा पवार, छगन भुजबल और अजीत दादा पवार, ओके जवाब। हाँ पहले इनका झूठ पकड़ेंगे, झूठ बोले कौवा काटे, प्रियंका को बार बार काटे काटता रहे क्योंकि सबसे बड़ी झूठी यही है। मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं तो प्रमाण लेके बैठा हूं, मेरे हाथ में जजमेंट है, जजमेंट में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया कहेंगे, शांत कराइए, गलत बात है, अब अफवाह गई, कौवे ने क्या कहा, कौवा काटेगा, अरविंद केजरीवाल को भी काट रहा आपको भी काटेगा, चलिए चुप हो जाइए। सुनिए अमीर जी ये देखिए जजमेंट मेरे हाथ में है, प्रथम दृष्टया क्यों कहा जाता है आपको मालूम है, क्योंकि बेल रिजेक्शन है, ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ है, और ये लिखा है कि कमीशन जो बढ़ाई 5% से 12% 338 करोड़ रुपए का, बोलिए अंग्रेजी में पढ़े क्या लिखा हुआ है, ये जल्दी अनुवाद ना करें, अंग्रेजी में पढ़े क्या लिखा है बताइए, मैं अनुवाद करके बताऊंगी, इनका इनको समझ नहीं आ रही अंग्रेजी, मैं पढ़ देता हूँ, चलिए अंग्रेजी में पढ़ी जो लिखा है मैं अनुवाद करके बताऊंगी, मैडम को नहीं समझ में आएगा लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, पढ़ दीजिए, सारे दर्शकों को जानने का हक है, मैं पढ़िए ना, अनुवाद क्यों कर रहे हैं, अब शांत हो जाइए, कौवा काटा चुप पढ़ो ना, कौवा काटा, अरे मुंह में दांत नहीं, अल्ले 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 क्या कर रहे केजरीवाल के पसीने निकल रहे हैं, अल्ले अल्ले मुंह के दांत तो दिखाओ, नीचे वाले नहीं दिख रहे, डेंचर लगाया है क्या, गालियां देने आती हो, अरे गिलास से निकालो, डेंचर पड़ा है वो देखिए, हाँ प्रियंका का डेंचर पड़ा है वो देखो, दासी नहीं है नीचे, क्या कर रही हो, बोलेगी कैसे, ओले 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 ओले। अच्छा सुनिए अमीर जी, वो पैराग्राफ तो पढ़ दे, आपकी कौवा काट गया, फाइनलिस्ट होते हैं आप, पता नहीं कैसे रिजेक्ट हो गए, विषय की गंभीरता को ले, केजरीवाल बुलावे। दोस्तों ये थे हमारे कुछ भारतीय राजनीति के बहुत ही कुछ अच्छे लम्हे, ऐसी लम्हों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।